आज हाई पावर परचेज कमेटी में कुल 16 आइटम्स थी और इन 16 में से 15 आइटम्स के फाइनल हो गए। एक किन्हीं कारणों से उसको नहीं लिया जा सका, सामने वाली पार्टी उस सामान को देने के लिए तैयार नहीं थी, एक पावर डिपार्टमेंट का था, बाकी 15 इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट से वो पूरे हो गए हैं। विशेष जो बताने लायक बात है वो हमने एक ई टेंडरिंग बसों में अपनी 4,500 जो फ्लीट है हरियाणा रोडवेज की बसों का, उसमें 6 महीने बाद ई टिकटिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा। हर किसी कंडक्टर को एक पॉस मशीन ये दी जाएगी और उस पॉस मशीन के माध्यम से सभी जो यात्री हैं उनसे या तो कार्ड उनको दिए जाएंगे या कैश भी अगर वो टिकट लेना चाहेंगे तो कैश उनको टिकट दी जाएगी। तो इस प्रकार का कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और फिर उसमें जो भी कोई छोटी बड़ी कहीं चोरी होती है या जो हमें मैनेजमेंट करने में कि पैसेंजर किस रूट पर ज़्यादा आ रहे हैं किस पर कम है उसका रीशेड्यूलिंग करना है, इन सारे विषयों के ऊपर चेकिंग हो जाएगी। और जो फ्री पास वाले जितने लोग हैं उनका भी अकाउंटिंग हमारी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वो भी ठीक होगी। तो एक सुविधा जो है इस प्रकार की, हर एक बस में CCTV कैमराज लगेंगे, सुरक्षा के नाते उसका ध्यान रखा जाएगा। तो एक बड़ा टेंडर आज लगभग 40 करोड़ रुपये के आसपास ये एक टेंडर हुआ है। आज हाई पावर परचेज कमेटी में कुल 16 आइटम्स थी और इन 16 में से 15 आइटम्स के फाइनल हो गए। एक किन्हीं कारणों से उसको नहीं लिया जा सका, सामने वाली पार्टी उस सामान को देने के लिए तैयार नहीं थी, एक पावर डिपार्टमेंट का था, बाकी 15 इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट से वो पूरे हो गए हैं। विशेष जो बताने लायक बात है वो हमने एक ई टेंडरिंग बसों में अपनी 4,500 जो फ्लीट है हरियाणा रोडवेज की बसों का, उसमें 6 महीने बाद ई टिकटिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा। हर किसी कंडक्टर को एक पॉस मशीन ये दी जाएगी और उस पॉस मशीन के माध्यम से सभी जो यात्री हैं उनसे या तो कार्ड उनको दिए जाएंगे या कैश भी अगर वो टिकट लेना चाहेंगे तो कैश उनको टिकट दी जाएगी। तो इस प्रकार का कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और फिर उसमें जो भी कोई छोटी बड़ी कहीं चोरी होती है या जो हमें मैनेजमेंट करने में कि पैसेंजर किस रूट पर ज़्यादा आ रहे हैं किस पर कम है उसका रीशेड्यूलिंग करना है, इन सारे विषयों के ऊपर चेकिंग हो जाएगी। और जो फ्री पास वाले जितने लोग हैं उनका भी अकाउंटिंग हमारी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वो भी ठीक होगी। तो एक सुविधा जो है इस प्रकार की, हर एक बस में CCTV कैमराज लगेंगे, सुरक्षा के नाते उसका ध्यान रखा जाएगा। तो एक बड़ा टेंडर आज लगभग 40 करोड़ रुपये के आसपास ये एक टेंडर हुआ है।